गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस GBM कॉलेज गया से। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने होम मैनेजमेंट में बात जो चैप्टर की बात की थी वो था मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट, जिसमें मैंने 3 फैक्टर्स के बारे में आपको बताया था, गोल्स, वैल्यू और स्टैंडर्ड। 2 वीडियो में मैंने गोल्स और वैल्यूज़ के बारे में बात की। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की। स्टैंडर्ड्स क्या हैं और इनके क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है होम मैनेजमेंट का मोटिवेशनल फैक्टर स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम लोग कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे स्तर हैं उनकी क्या परिभाषा है, उनकी भूमिका क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है और उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की, कि जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि वैल्यूज़ जो ओरिजिन है स्टैंडर्ड का, उसका उस मतलब है ओरिजिन वैल्यू से हुआ है, यानी कि एक तरह से कहें कि स्तर की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। मूल्य एवं लक्ष्य एक दूसरे से चूंकि घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने चार्ट में भी आपको बताया था कि ये तीनों यानी गोल्स, वैल्यू और स्टैंडर्ड तीनों जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि वैल्यू से आपके गोल्स और स्टैंडर्ड दोनों ही जुड़े हुए हैं, ठीक है? और इस संबंध में हम कह सकते हैं कि स्तर मूल एवं लक्ष्य की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा क्लियर होता है और ज़्यादा इसको हम अपने व्यवहार में अपना सकते हैं, है ना? देखो, गोल्स और वैल्यू को आप देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, यानी कि उसको एक तरह से मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड को देख करके क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा होगा, ठीक है? तो स्टैंडर्ड को अगर हम इस तरह से डिफाइन करें कि मेंटल पिक्चर्स ऑफ व्हाट इज कंसीडर्ड एसेंशियल एंड नेसेसरी टू मेक लाइफ टॉलरेबल, यानी कि अधिकतम स्तरों को जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु तो आवश्यकता समझने जाने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू कूपर बात करेंगे। तो कूपर ने स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हुए कहा कि वी सेट अ स्टैंडर्ड फॉर ईच काइंड ऑफ एक्टिविटी डिटरमाइंड इंस्टिंक्टली बाय व्हाट वी थिंक विल प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर इट एंड एक्सटिंक्टली बाय व्हाट वी बिलीव will make the maximum contribution to the realization of our life plans. यानि कि अगर इनके definition को अगर हम summarize करें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए हम क्या करते हैं, लक्ष्य का निर्धारित करते हैं और हम एक internal process करते हैं, सोचते हैं कि हमें कितनी अधिकतर संतुष्टि मिलेगी, ठीक है ना? और मान लीजिए हमने एक लक्ष्य बनाया तो उसको प्राप्त करने पर हमें कितनी अधिक संतुष्टि मिलेगी और बाह्य रूप में हम इसके अधिकतम सहयोग द्वारा अपने जीवन की योजनाओं को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे डेफिनेशन है जो कि निकल एंड डॉर्सी ने दिया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो निकल और डॉर्सी ने इसको डिफाइन करते हुए कहा, स्टैंडर्ड आर अ सेट अ मेजर्स ऑफ वैल्यूज स्टेमिंग फ्रॉम on own value patterns determining the amount and kind of interest we have in something and the satisfaction we receiver or creation for measurement of objects, ways of doing things and ways of living as we make judgment. यानी स्तर एक आंतरिक मानक है, इंटरनल मेजर का तरीका है
जिसका एक डायग्राम जो है हमारे दिमाग पर क्या होता है पहले से ही क्लियर हो जाता है, और जो व्यक्ति को उसे पूरा करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रेशर करता है, ये केवल व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा मान्य तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आप इसको प्राप्त करने के लिए जो ट्रेडिशनल रूल्स है उसको आपको फॉलो करना है, अर्थात ये जीवन को जीने योग्य क्या करता है, बनाता है, और उसको बनाने के लिए जो आवश्यक समझने जाने वाली स्थिति है उसका एक मेंटल फिगर है ना, और इसकी प्राप्ति से संतोष एवं नहीं मिलने से दुख, पीड़ा, असंतोष और बेचैनी होने लगती है। यानी कि हमने जो अपने गोल्स बनाए थे और उस गोल के अकॉर्डिंग हमें ये लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड ये होगा, हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या होगा, बहुत ही दुख होगा, और अचीव कर लेते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्नता होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की, यानी स्तर का वर्गीकरण क्या है। पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है फ्लेक्सिबल। कन्वेंशनल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कन्वेंशनल को हम कहते हैं परंपरागत, है ना। इसको डिफाइन करते हुए निकिल डॉर्सी ने कहा है, रिजिड स्टैंडर्ड्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद सोशल और रिलीजियस राइट्स एंड देयरफॉर इम्पोज्ड ऑफ द फैमिली बाय अ सोशल और रिलीजियस ग्रुप। यानी कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, समाज में रहता है, वो समाज द्वारा निर्धारित नियम और मूल्यों को ना चाहते हुए भी उसके अनुसार अपने स्तर का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कुछ हमारे ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड हैं कि हमें एक हाउसवाइफ को उठना है, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, बर्तन धुलना है, ये सारे नियम्स उसको फॉलो करने, अपनी फैमिली को मेंटेन या जो अपना घर है उसे मेंटेन करने के लिए। इन द केस अगर कोई उसी टाइम आ जाता है और घर गंदा मिलता है, तो ऐसे समय में गृहिणी को बहुत ही खराब लगता है। वो कहती है, अरे मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं झाड़ू नहीं लगा पाई या मैंने साफ सफाई नहीं की। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं और ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मेंटेन करना ही है, फॉलो करना ही है। ठीक है, और दूसरा है फ्लेक्सिबल। जैसा कि नाम से समझ रहे हो, फ्लेक्सिबल मतलब होता है चेंजेबल। इसको डिफाइन करते हुए निकिल डॉर्सी ने कहा है कि फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स आर दोज दैट अलाउज अस टू एडजस्ट आवर प्रोसीजर और कंडक्ट टू कंडीशंस। एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स gives greater freedom of choice and life is likely to be a more relaxed, relations less strained and anxiety less apparent। ठीक है, यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल जो स्टैंडर्ड है आप उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो हाउसवाइफ है, वो तो मान लीजिए घर के जो नॉर्म्स हैं वो पूरा कर ले रही है, लेकिन वर्किंग लेडी है, अगर वो झाड़ू पोछा बर्तन और सर्विस दोनों एक साथ नहीं कर पा रही है, तो अपने इस स्टैंडर्ड को, जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड को है, वो चेंज कर सकती है, वो काम करने की बारी रख सकती है। तो उसका स्तर इस तरह से मेंटेन होगा और उसको उस ढंग से सेटिस्फैक्शन होगा, तो उसने अपने स्टैंडर्ड को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। तो ये हम फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब कन्वेंशनल को एक तरह से हम इस तरह से देख सकते हैं, क्या क्वालिटीज़ है, ये फिक्स्ड है यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेडिशनल है यानी कि ये परंपरागत है, और तीसरा है एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी से एक्सेप्टेड है। ठीक है, और अगला है फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड, ये नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी, ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी से एक्सेप्टेड हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी कहे कि हर वर्किंग लेडी को काम करने वाली बाई को रखना ही रखना है। दूसरा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरा है फॉर वर्किंग पीपल, यानी एक तरह से ये वर्किंग पीपल के लिए बना हुआ है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्किंग लेडी को काम करने वाली बाई को रखने से उसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो या सेटिस्फैक्शन हो। हो सकता है वो अपने काम को इस तरह से मैनेज की हो कि खुद काम करके वो अपने स्तर को मेंटेन कर सकती है, स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकती है। और दूसरा है अचीव्ड बाई लेस टाइम एंड एनर्जी। हम इस फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड में
कम समय और कम ऊर्जा को खर्च करके हम अपने इस स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इस स्तर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि स्तरों को चयन करते समय जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी उत्पत्ति हमारे जो मूल्य हैं उनसे होती है, लेकिन स्तर की उत्पत्ति क्या है, हमारे कल्चर से ही होती है। व्यक्ति या परिवार इसे ग्रहण करता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इसका क्या होता है, हस्तांतरण होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टैंडर्ड जो फॉलो हो रहा है वो दूसरे जगह के लिए लोगों के लिए भी वही स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपल्सरी हो। जैसे कहा जाए कि ग्रामीण महिला का रहन सहन का स्तर अलग होगा, उसके कार्य करने का ढंग अलग होगा और वहाँ की महिलाओं का रहन सहन पूरी तरह से अलग होगा कंपैरेटिवली जो शहर में रहने वाली महिलाएं हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, अलग होगा। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू टाइम एनर्जी एंड मनी। यानी स्तर का समय श्रम और धन की दृष्टि से महत्व। या सभी अभी हमने बताया कि जो स्तर की उत्पत्ति पारिवारिक जीवन के मूल्यों से तो होती ही है। यदि जीवन मूल्यों को अपनाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ जाती है, परेशानी में आ जाती है, तो ऐसे स्टैंडर्ड को वो ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अपने गोल्स को इस तरह मेंटेन करें कि जब वो अपने उस स्टैंडर्ड को पाना चाहें तो ऐसा ना हो कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो जाए या मेंटली प्रेशराइज्ड हो जाए। कहने का मतलब है वो ऐसे स्तर का निर्माण करें जिनके लिए वो योग्य हो, जिनको प्राप्त करने की उनकी पूरी तरह से क्षमता हो और समय श्रम और धन की दृष्टि से उनके लिए पर्याप्त समय हो, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि रिलेशनशिप विद फंडामेंटल वैल्यूज यानी भौतिक मौलिक मूल्यों से संबंध। स्तरों की चयन की कसौटी में मौलिक मूल्यों के स्तर से क्या संबंध है, ये भी हमें जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी सेलेक्टिव पर्सन है किन मूल्य को ग्रहण करना चाहता है, उसके पास क्या साधन उपलब्ध है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है कि हमारा जो मौलिक मूल्य है और हमने मूल्यों को किस आधार पर तैयार किया है, क्या हमारे पास सामग्री है, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी क्षमता है, उस अनुसार हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसी के अनुसार हमको अपने स्तर की प्राप्ति करनी है। अगला है स्तर को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। कभी कभी होता है कि घर के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में फैमिली के पर्सन्स यानी कि जो नई पीढ़ी आती है उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि ये भी जानना आवश्यक है कि अगर हम अपने लाइफ का ये स्टैंडर्ड निर्धारित कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका हमारी फैमिली के पर्स लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम इतना रिजिड स्टैंडर्ड अपना ना तैयार कर लें कि बच्चे या फैमिली मेम्बर घुटन का अनुभव करें और उसको ना फॉलो करें, ठीक है ना। और यदि परिवार द्वारा निर्धारित स्तर परिवार के अन्य सदस्यों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे कंडीशन में परिवार को चाहिए यानी परिवार के मुखिया को चाहिए कि अपने स्तर में थोड़ा सा लचीलापन लाएं। अगला है स्तरों का सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि कई परिवर्तनशील स्तर परंपरागत स्तर से ज़्यादा बेहतर होते हैं। यानी कि जो फ्लेक्सिबल जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो कभी कभी हमारे ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें श्रम शक्ति और जो है धन समय इन सब की बचत होती है। तो कभी कभी हमको अपने स्टैंडर्ड को फ्लेक्सिबल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ पैटर्न ऑफ कमोडिटीज सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन विच अ पर्सन थिंक एसेंशियल फॉर हैप्पी
लिविंग, यानी कि ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसने अपने लाइफ का वैल्यूज क्या निर्धारित किया, उस अकॉर्डिंग उसने क्या गोल बनाया और गोल को अचीव करने के बाद उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन हुआ। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने यानी पाने के बाद वो कितना सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। अकॉर्डिंग टू हेजल क्रेक ने कहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेड अप ऑफ द एसेंशियल वैल्यूज टू बी श्योर इट इज एन एटीट्यूड टूवर्ड अ वे ऑफ रिगार्डिंग और जजिंग अ गिवन मोड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ द रियल इनकम ऑफ द फैमिली। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ फैमिली इनकम फेस not only the actual qualities and quantities of goods and services but also the ways of using these goods and services। yani ki humne keval apne standard ko badhane ke liye kya goods chahe wo quantity mein ho chahe wo quality mein ho kitna zyada ikattha kar liya hai ye maayne nahi rakhta hai balki is baat par focus karta hai ki hum apne seemit sadhanon mein bhi apne star ko किस तरह से क्या कर सकते हैं, यानी जो हमने गुड्स इकट्ठे कर रखे हैं, मटेरियल इकट्ठे कर रखे हैं, उनका हम किस तरह से बहुत ही मेंटली क्वालिफाइड तरीके से हम किस तरह से यूज़ करें और कितना बेहतर हम अपने को सेटिस्फाइड करें। और साथ ही साथ अपने फैमिली के पर्सन भी हमारे जो है उससे सेटिस्फाइड हो सकें। तो ये आज का मेरा चैप्टर था। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अपने आप को सेफ रखिए और इस लॉकडाउन पीरियड में और जो पेंडेमिक कंडीशन है इसमें आप अपने हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। थैंक यू।